बहुत सारे लोगों ने GB व्हाट्सएप को इंस्टॉल किया हुआ होता है क्योंकि हमें इसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन आज वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए, इसमें मैं आपको एक डार्क रियलिटी बताऊंगा GB व्हाट्सएप की, जो सुनने के बाद आप GB व्हाट्सएप डिलीट कर देंगे। अब कुछ लोग GB व्हाट्सएप को बिल्कुल ऑफिशियल व्हाट्सएप की तरह लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑफिशियल व्हाट्सएप एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर चीज़ है, जिससे हमारी प्राइवेसी को कोई ख़तरा नहीं, इवन हमारे फ़ोन को भी कोई ख़तरा नहीं, फ़ोन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को भी। लेकिन जो GB व्हाट्सएप है वो बेसिकली व्हाट्सएप है ही नहीं, उसका ऑफिशियल व्हाट्सएप के साथ कोई लेना देना ही नहीं। अब बेसिकली लोग GB व्हाट्सएप इस वजह से डाउनलोड करते हैं कि वो हमें बहुत ज़्यादा एडिशनल फीचर्स दे रहा होता है, जिस तरह के हम काफ़ी ज़्यादा थीम्स चेंज कर सकते हैं, चैट्स वगैरह के कलर्स चेंज कर सकते हैं, उसके बाद हम काफ़ी ज़्यादा और फीचर्स वगैरह अंदर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम टाइपिंग कर रहे हैं तो किसी अगले जो नेक्स्ट पर्सन है उसे पता ना चले कि टाइपिंग आप कर रहे हैं कि नहीं, और इस तरह के डू नॉट डिस्टर्ब के फीचर्स और थीम्स, फंक्शंस, स्टिकर्स वगैरह, तो माना कि GB व्हाट्सएप आपको देते हैं। लेकिन यहाँ पे GB व्हाट्सएप का एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि ऑफिशियल व्हाट्सएप के साथ कोई लेना देना नहीं, और जब भी आप GB व्हाट्सएप से अपने किसी दोस्त को मैसेज करते हैं तो पहले वो आपका जो मैसेज है वो GB व्हाट्सएप के सर्वर पे जाता है, और उसके बाद आपके जो दोस्त है उसे डिलीवर होते हैं। जिसका मतलब ये है कि जो भी आप व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड को मैसेज भेज रहे हैं GB व्हाट्सएप से, वो सबसे पहले लीक हो रहे हैं। अब वो जो आप मैसेज सेंड कर रहे हैं वो कोई भी बंदा ले सकता है, क्योंकि वो GB व्हाट्सएप का जो भी ऑफिशियल सर्वर, जो भी सर्वर है उनका, वो ऑफिशियल बिल्कुल भी नहीं है और वो इजीली हैक होता है। अब यहाँ पे इवन जब आप GB व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो वो आपसे कॉन्टैक्ट्स, आपकी गैलरीज, कैमरा वगैरह, कैलेंडर, लोकेशन, हर चीज़ की परमिशन लेते हैं, और उसके बाद वो सारा जो डाटा है वो ऑनलाइन लीक होता है। क्योंकि यहाँ पे जिसने भी GB व्हाट्सएप बनाया है उसका जो भी वो जो अर्निंग कर रहा है वो मेन इसी वजह से कर रहा है कि वो अपना जो डाटा है वो लीक कर रहा है, वरना GB व्हाट्सएप पे कुछ एड्स वगैरह तो खास आते नहीं है, लेकिन आपको फ्री में इतनी सारी चीज़ें क्यों मिल रही हैं? वो आपका डेटा लीक होता है, बल्कि ना सिर्फ आप अपने आप को ख़तरे में डाल रहे हैं, आपका जो फ़ोन है उसमें काफ़ी इजीली वायरस वगैरह आ सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ने, GB व्हाट्सएप ने आपसे पहले ही सारी इंफॉर्मेशन, सारी परमिशन वगैरह ले ली हैं, और अब आपके फ़ोन के साथ कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। उसके बाद न सिर्फ आप अपने आप को नुकसान में डाल रहे होते हैं GB व्हाट्सएप यूज़ करके, बल्कि जो आपका फ्रेंड है आपके साथ बात कर रहा है ऑफिशियल व्हाट्सएप के थ्रू, उसकी भी जो चैट है आपके साथ वो भी लीक हो रही है रियल टाइम में, क्योंकि व्हाट्सएप से पहले वो सेंड करेगा GB व्हाट्सएप के सर्वर पे, फिर आपके पास चैट आएगी, तो इस तरह से सारे मैसेजेस पहले लीक होते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं, और आपके फ्रेंड भी इजीली, उनकी भी जो चैट्स हैं, प्राइवेसी है, वो लीक हो सकती है, बल्कि हो सकती नहीं, होती है। और उसके बाद ये सारे मैसेजेस, आपका जो डेटा है, ये डार्क वेब पे सेल होता है और बहुत ही ज़्यादा गलत जगहों पे यूज़ होता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने GB व्हाट्सएप यूज़ करें तो आप इसे फ़ौरन डिलीट कर दें और ऑफिशियल व्हाट्सएप पर आ जाएं, और अपना डेटा वगैरह लीक ना करवाएं। नहीं तो ये कलर्स, थीम्स ऑफिशियल व्हाट्सएप वाले भी तो दे सकते थे, लेकिन वो नहीं दे रहे क्योंकि ये अनवांटेड सी चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि आपको GB व्हाट्सएप से क्यों दूर रहना है, ये सरासर आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो दोस्तों, बस आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कि मैं डेली ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ।